नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सोनल। अपना प्रदेश आप देख रहे हैं। लखनऊ की सबसे पहले बात करते हैं। यहां पर बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम को लेकर बैठक होनी है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बैठक के लिए पहुंचे हैं लखनऊ। सीएम योगी और धर्मेंद्र प्रधान की ये बैठक होगी। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर भी इस बैठक में चर्चा होगी। तो ये बड़ी खबर इस वक्त लखनऊ से आ रही है। आपको बता दें, बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम को लेकर ये बैठक होनी है और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस बैठक के लिए लखनऊ पहुंच गए हैं। सीएम योगी और धर्मेंद्र प्रधान के बीच ये बैठक होनी है। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर भी इस बैठक में चर्चा होगी। तो बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर मंथन होना है, इसे लेकर ये महत्वपूर्ण मानी जा रही है बैठक। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस बैठक के लिए लखनऊ पहुंचे हैं। और इस विषय पर ज्यादा जानकारी के लिए रुख करते हैं लखनऊ का, जहां पर हमारे संवाददाता अनूप कुमार सिंह मौजूद हैं। अनूप, आपसे जानना चाहेंगे, बेहद महत्वपूर्ण बैठक नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर, क्या कुछ अपडेट इस वक्त आपके पास? देखिए, दो मुद्दे हैं। धर्मेंद्र प्रधान लखनऊ पहुंच चुके हैं, अभी 8 बजे के आसपास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करेंगे। उसमें से सबसे बड़े मुद्दे हैं, उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की तलाश काफी लंबे समय से, हालांकि वर्तमान कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। दोनों डिप्टी सीएम शामिल होंगे, तमाम और पदाधिकारी हैं। सुनील बंसल भी जो भाजपा के संगठन मंत्री हैं, वो भी इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। दो बड़े मुद्दे हैं, एक तो जो नए प्रदेश अध्यक्ष की तलाश है लगातार जारी है, वो भी बीजेपी कोई भी काम करती है तो जातिगत समीकरण और 2024 का चुनाव देखते हुए कौन होगा जो बीजेपी का जो प्रदेश अध्यक्ष, किसकी भागदौड़ दी जाएगी, ओबीसी का चेहरा होगा या फिर ब्राह्मण चेहरा होगा, ये तमाम जिन चीजों पर निर्णय होना है। हालांकि कई बार का मंथन का दौर हो चुका है, दिल्ली से लगाकर लखनऊ में मंथन हो चुका है, लेकिन आखिरी फाइनल जो लिस्ट जो मुहर होगी वो केजी नेतृत्व की होगी। दूसरा मामला सुनल ये है कि देश का राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है, ऐसे में आज यशवंत सिन्हा ने भी अपना पर्चा दाखिल कर दिया है। विपक्ष के भी हौसले जिस तरीके से बुलंद हैं उसको लेकर बीजेपी कोई भी ओवर कॉन्फिडेंस में काम नहीं करती है। अभी हाल में आपने देखा होगा, दो उपचुनाव लोकसभा के उत्तर प्रदेश में थे, आजमगढ़ और रामपुर में। हाँ। जो समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, ओवर कॉन्फिडेंस में दोनों सीटें हार गए हैं, क्योंकि दोनों सीटें उनकी थी और हमेशा उनकी रहती थी। तो बीजेपी कोई ओवर कॉन्फिडेंस में काम नहीं करती है। उत्तर प्रदेश में जो सांसद हैं उनसे क्या बातचीत होगी, या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनसे बातचीत कर चुके होंगे, क्या क्रॉस वोटिंग कोई संभावना तो नहीं उत्तर प्रदेश में है, क्योंकि राष्ट्रपति के चुनाव में उत्तर प्रदेश एक बड़ी भूमिका अदा करने जा रहा है। तो ऐसे में बीजेपी कोई कोर कसर बाकी नहीं रखती है किसी प्रकार से, चाहे प्रत्याशी चुनने की बात हो या फिर राष्ट्रपति का चुनाव हो, ऐसे में सभी सांसदों से बातचीत करना, संगठन के सांसद हैं उनसे भी बातचीत करना, तो ऐसे में एक बड़ी बैठक मानी जा रही है। 8 बजे बैठक 5 कालीदास से उस पर होगी, मुख्यमंत्री आवास पर। बैठक के बाद पता चलेगा कि किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई है और क्या कुछ फैसले लिए गए हैं। बिल्कुल, आप बैठक पर नजर बनाए रखिएगा अनूप, आपसे संपर्क करते रहेंगे। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और इस बीच आपको बता दें कि महत्वपूर्ण दिन आज, क्योंकि बीजेपी के नए अध्यक्ष के चुनाव पर चर्चा होनी है, कौन होगा उस पर बैठक होनी है, मंथन होना है। इस बीच उत्तर प्रदेश के उपचुनाव के नतीजे चूंकि आ चुके हैं और ये नतीजे काफ़ी हतप्रभ करने वाले भी रहे, क्योंकि समाजवादी पार्टी का अब तक का सबसे मजबूत किला इसमें ढह गया। भाजपा ने इन किलों पर फतह हासिल कर ली, मगर कैसे ये सब संभव हुआ, क्या हुआ आखिर ऐसा, आइए आपको दिखाते हैं डिटेल के साथ इस रिपोर्ट में। उपचुनाव में भाजपा ने लहराया परचम, सपा के मजबूत गढ़ हुए निस्तनाबूद। कैसे लगी सपा के किले में सेंध, चला निरौआ का जादू, लोधी की दमदारी। यूपी में हुए उपचुनाव के नतीजे आ चुके हैं, ये नतीजे काफी हद तक चौंकाने वाले भी हैं, क्योंकि इन उपचुनावों में बड़ा फेरबदल देखने को मिला है। जी हाँ,
हम बात कर रहे हैं रामपुर और आजमगढ़ लोकसभा सीट की। सपा को ये दोनों ही सीटें गंवानी पड़ी हैं, वहीं इन पर भाजपा ने अपनी जीत का परचम लहराया है। रामपुर की बात करें तो यहां समाजवादी पार्टी के आसिम रजा भाजपा प्रत्याशी घनश्याम लोधी से करीब 42,000 मतों से हार गए। दूसरी ओर आजमगढ़ में भाजपा ने जिस तरह भोजपुरी सुपरस्टार दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ पर दूसरी बार भरोसा जताया था, वो काफी खरा उतरा। निरहुआ ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव के भाई धर्मेंद्र यादव को करारी पटकनी दी है। यहां गौर करने वाली बात यह है कि ये दोनों ही सीटें यानी रामपुर और आजमगढ़ समाजवादी पार्टी का मजबूत किला मानी जाती रही हैं, क्योंकि रामपुर को सपा के कद्दावर नेता आजम खान और आजमगढ़ को अखिलेश मुलायम का अभेद किला माना जाता रहा है। लेकिन भाजपा ने इस किले में सेंध लगाते हुए सपा के मजबूत दुर्ग को नेस्तनाबूद कर दिया। भाजपा के लिए इसलिए ये जीत किसी त्योहार से कम नहीं है। अगर इस लोकसभा सीट के इतिहास की बात करें तो 2019 लोकसभा चुनाव में आजमगढ़ से अखिलेश यादव जीते थे, जबकि 2014 में मुलायम सिंह यादव यहां से सांसद चुने गए थे। 2019 के लोकसभा चुनाव जीतकर आजम खान रामपुर से सांसद बने थे, मगर अब ये दोनों सीटें भाजपा ने कब्जा ली हैं। भाजपा की जीत के समतुल्य ही सपा की हार की भी चर्चा करना लाजमी है। सबसे पहले बात करते हैं आजमगढ़ की। इस बार के उपचुनाव में भाजपा ने दूसरी बार मशहूर भोजपुरी सुपरस्टार दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ पर दांव खेला। पिछली बार भी 2019 में भाजपा ने यही दांव खेला था, मगर ये चल नहीं पाया था। मगर इस बार भाजपा के भरोसे पर निरहुआ खरे उतरे। अपने नाम का बतौर प्रत्याशी ऐलान होते ही वो पूरी ताकत झोंकते नजर आए। पिछली बार की हार की टीस अब भी उनके मन में थी। इस बार के लोकसभा उपचुनाव में उन्होंने अपने ही भाई धर्मेंद्र यादव को भाजपा के उम्मीदवार निरहुआ से कड़ी टक्कर लेने चुनावी मैदान में उतारा था, मगर इस टक्कर में अखिलेश के भाई टिक नहीं पाए और निरहुआ के स्टारडम के आगे पानी मांगते नजर आए। अब रुक करते हैं रामपुर का। बीजेपी के लिए इस सीट को फतह कर पाना टेढ़ी खीर से कम नहीं था। जो घनश्याम लोधी एक समय सपा के दिग्गज नेता आजम खान के करीबी थे, सपा से एमएलसी भी रह चुके थे, भाजपा ने उन्हें ही अपना प्रत्याशी बनाया। विधानसभा चुनाव 2022 से ठीक पहले लोधी ने सपा का साथ छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया था। तब वो पार्टी से टिकट पाने की कोशिश में लगे थे, लेकिन मिल नहीं पाई थी। शायद पार्टी ने उनके लिए कोई और अवसर सोच रखा था। जब आजम खान के लोकसभा सीट छोड़ने पर उपचुनाव का ऐलान हुआ तो भाजपा ने घनश्याम लोधी को उम्मीदवार बना दिया। वहीं लोधी के खिलाफ समाजवादी पार्टी ने आजम खान के करीबी आसिम रजा को टिकट दिया, जिनके नाम का ऐलान जेल से बाहर आने के बाद खुद आजम खान ने ही किया था, लेकिन वो घनश्याम लोधी से 42,000 मतों से हार गए। वहीं इस चुनाव में समाजवादी पार्टी की अंदरूनी गुटबाजी की खबरें भी खूब सुर्खियों में रही। आजम खान और अखिलेश यादव के बीच खटास की भी खूब चर्चा हुई। इसका भी फायदा बीजेपी को मिला। नतीजतन नतीजे सबके सामने हैं। इस उपचुनाव में योगी फैक्टर भी काफी छाया रहा। बहरहाल बीजेपी के लिए जहां ये जश्न का समय है तो वहीं समाजवादी पार्टी के लिए मंथन का। अब देखना होगा कि बीजेपी की जीत इन क्षेत्रों में क्या बदलाव लेकर आती है और सपा की हार पार्टी में क्या अंदरूनी तब्दीली। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल डेस्क। वहीं आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव में मिली हार के बाद मायावती ने ट्वीट किया है। मायावती ने ट्वीट करते हुए लिखा कि बीएसपी के सभी छोटे बड़े कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों और पार्टी प्रत्याशी शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली आदि ने आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव जिस संघर्ष और दिलेरी के साथ लड़ा, वो उसे आगे 2024 लोकसभा आम चुनाव तक जारी रखने के तहत संकल्प के तहत चुनावी मुस्तैदी यथावत बनाए रखना भी जरूरी है। तो यहाँ पर मायावती अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरती नजर आई अपने ट्वीट के जरिए, और उन्होंने कहा कि 2024 के चुनावों में भी यही जोश बरकरार रहना चाहिए।
वहीं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद एक दिन के दौरे पर भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा पहुंचे। मथुरा के वृंदावन में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका स्वागत किया। इसके बाद राष्ट्रपति ने बांके बिहारी मंदिर में दर्शन किए। बांके बिहारी जी के फूल बंगला में विराजित हैं तो राष्ट्रपति ने वैदिक रीति रिवाज के साथ द्वीप प्रज्वलित कर आराध्य का पूजन भी किया। राष्ट्रपति के साथ उनकी पत्नी और बेटी भी मौजूद थी। बिहारी मंदिर में शीश नवाने के बाद महामहिम कृष्णा कुटीर के लिए रवाना हुए, जहां उन्होंने निराश्रित महिलाओं से मुलाकात कर संवाद किया। राष्ट्रपति कोविंद ने महिलाओं से सरकार की तरफ से मिलने वाली योजनाओं के बारे में जानकारी भी ली, साथ ही आश्रम में महिलाओं की ओर से बनाई जा रही वस्तुओं का अवलोकन किया। और अब कुछ खबरें पहाड़ों से। उत्तराखंड सरकार आने वाली 30 तारीख को अपने 100 दिन पूरे करने जा रही है। वहीं 100 दिन के कार्यकाल में सरकार की क्या उपलब्धियां रही है उसका लेखा जोखा जनता के बीच में रखा जाएगा। धामी सरकार ने अपने मंत्रियों को जिलों की जिम्मेदारी सौंपी है, जिससे कि विकास की गति को और तेज किया जा सके। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जब से प्रदेश की कमान संभाली है तब से प्रदेश में लगातार विकास कार्य हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि आने वाली 30 तारीख को उत्तराखंड के चंपावत जिले में सैनिक विश्राम गृह का शिलान्यास भी किया जाएगा, साथ ही प्रदेश भर में कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया है। हमारे युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने जब से प्रदेश की कमान संभाली है पुष्कर सिंह धामी 2 की सरकार एक संदेश देने का काम कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार खुद बैठके ले रहे हैं, खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, सभी मंत्रियों को टास्क दिए गए हैं अपने विभागों में काम करने के, और 30 तारीख को उसका लेखा जोखा मुख्यमंत्री जी के सामने हम रखेंगे, जनता के सामने हम रखेंगे। मेरे पास सैनिक कल्याण विभाग है, हमने ये सुनिश्चित किया है हमारा जवान जब छुट्टी काट कर जाता है और उसकी फैमिली अगर उसके साथ में हो तो सैनिक विश्राम गृह की स्थिति ठीक नहीं थी, हमने ये सुनिश्चित किया कि 36 से 36 विश्राम गृहों को हम रिनोवेट करेंगे, जहाँ पे नए की आवश्यकता होगी नए बनाएंगे। 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा के लिए इस साल से परीक्षार्थियों का अपना ऑनलाइन आवेदन भरना होगा। उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद इसकी तैयारियों में लगा है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से इसमें गलतियां होने की संभावनाएं बहुत कम हो जाएंगी। इससे पहले कई बार देखा गया है कि ऑफलाइन आवेदन में कई बार फॉर्म भरने में गलतियां पाई गई थी, जिसको फिर सही कराने में काफी जद्दोजहद करनी पड़ी। अभी तक बोर्ड के आवेदन ऑफलाइन ही भरे जा रहे थे, इस बार से ये प्रक्रिया ऑनलाइन होने जा रही है। हालांकि इस बार ये प्रक्रिया थोड़ी देरी से शुरू हो सकती है। इस बार जो है बोर्ड के जो आवेदन पत्र हैं हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के, वो ऑनलाइन करने की प्रक्रिया जो है वो प्रस्तावित है। तो इसका जुलाई में इसके लिए जो है कार्य शुरू हो रहा है, जुलाई में हमारा टेंडर होगा और तत्पश्चात जो है जुलाई आखिरी सप्ताह या अगस्त में आवेदन पत्र भरे जाएंगे, क्योंकि जो आवेदन पत्रों की भरने की डेट होती है वो 14 अगस्त तक होती है, तब तक हम ऑनलाइन आवेदन पत्र भराते हैं।